सब ठीक है। आज मैं लाइव आपको वो जगह दिखा रहा हूँ जो शायद मेरे सारे फेसबुक फ्रेंड ने लाइव कभी नहीं देखी होगी। हो सकता देखी हो, लेकिन मेरा दावा है कि आपने नहीं देखी होगी। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आज मैं आपको वो जगह दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं जा रहा हूँ, मैं भी वादिय सदूम में हूँ। आप शेयर करते जाएं। मैं पहले से लाइव इसलिए चला गया हूँ कि आप अच्छे तरीके से एक खूबसूरत कुदरत का नज़ारा देखें। और मेरी रिक्वेस्ट होगी कि जो दोस्त देख रहे हैं वो अस्तगफुरुल्लाह ज़रूर पढ़ें, अस्तगफुरुल्लाह ज़रूर पढ़ें। ये वो जगह है जहाँ के लोगों ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से कहा था। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कोई बात नहीं मानी थी, और मैं उस जगह पे हूँ जहाँ इज़राइल अलैहिस्सलाम खुद आए और उन्होंने पूरी बस्ती उलट के रख दी। मैं सेम अभी उसी जगह पे हूँ। दिस वे डेड सी, ओके। नो 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 ट्रैव नहीं, नो नो, ठीक है। वो कहती है आपने नहाना है। ये आप डेड सी देख रहे हैं मेरे भाइयों। नहीं भाईजान, बाइबल अपनी जगह पे है, इस्लाम अपनी जगह पे है। बाइबल में काफ़ी चीज़ें हैं जो दोबारा कुरान पाक में आई हैं। बाइबल में डेड सी का जिक्र है, और कुरान पाक में 5 जगह हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का जिक्र है। तो ये मैंने तो मिक्स नहीं किया, ये तो ऑलरेडी मिक्स हुआ हुआ हमें मिला है। कई मेरे फेसबुक फ्रेंड पे बड़े लोग जो हैं वो जाहल किस्म की बातें करते हैं कि कीम साहब आपको नहीं पता। मैं मान लेता हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आप मुझसे जो है ना फेसबुक से आउट हो जाएं। और मैं ये ज़रूर कहूँगा भाईजान, आप ख़ुद भी तो किताबें पढ़ लें, आप कुरान तर्जमे से पढ़ें और अंजील भी पढ़ लें, जबूर भी पढ़ लें, तुरैत भी पढ़ लें, तो शायद आपको अकल भी आ जाए कि ये हमें डेड सी बनी बनाई मिली है, मैंने नहीं बनाई, ठीक है। वो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का जिक्र सूरत हूद में, सूरत अनकबूत में, सूरत शोरा में मौजूद है। अगर वो आप पढ़ लेंगे तो कुछ भी नहीं जाता, ठीक है। अंजील में तो बहुत तवील जिक्र है, आपको साफ दिखाई दे रहा है और मेरी आवाज़ साफ आ रही है। मैं तो आप फेसबुक फ्रेंड के लिए लाइव जाता हूँ, मैं ना भी जाऊँ तो मेरा खाना जम हो जाता है। मैं तो इधर दूसरी दफ़ा आया हूँ। मैं आप सब लोगों को आपकी मेहरबानी शुक्रिया, लाइव में गया हूँ। आप शेयर करते जाएं कि दूसरे दोस्त भी जो हैं वो भी लुत्फ़अंदोज़ हो जाएं, तो और अस्तगफुरुल्लाह पढ़ते जाएं। ये अल्लाह का गज़ब था, ये अल्लाह ताला का गज़ब था, और ये जो है वादी वजूद में आई। और मैं आपको इसकी तफसील बता देता हूँ, ठीक है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जो थे वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक का शहर उड़ से निकले थे। हेलो, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ये इराक से शहर उड़ से निकले थे, और ये तुर्की आए थे जहाँ के बादशाह नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में जलाने की कोशिश की, आग में डाला। उस शहर का नाम है शानली उर्फा, उस शहर का नाम है शानली उर्फा। उस शहर का नाम है शानली उर्फा, ठीक है। आप ये नज़ारा देखेंगे, मेहरबानी शुक्रिया। इस मुल्क का नाम उर्दन है, और ये वही डेड सी है जिसके बारे में आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा कौम लूत के बारे में। और ये अल्लाह ताला का अजाब था, इसलिए तौबा अस्तगफुरुल्लाह पढ़ें। और ये देखिए कि अल्लाह ताला को जब गुस्सा आया तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से कहा कि आप अपनी फैमिली को लेकर निकल जाएं और मुड़ के नहीं देखना, और उन्होंने पूरी बस्ती उलट दी। ये पूरी बस्ती अल्लाह ताला ने जो कुरान में फरमाया जो उल्टी थी वो ये है, ठीक है। मैं अब आपको इसके अंदर भी लेके जाऊँगा, वेट फॉर यू, ठीक है। और ये मैं आपको बता दूं कि अगर कुरान पाक में आपने ये सारा वाक्या पढ़ना हो तो आप याद रखिए कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम शानली उर्फा शहर जो तुर्की का है उधर से वो चले गए थे फ़लस्तीन, और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को लेके इधर आ गए थे ये डेड सी के मुकाम पर जहाँ मैं हूँ।
और अगर आपने इसकी तफसील जाननी हो तो मैं आपको सूरत कुरान पाक की 5 सूरतें जो हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आप इसकी पूरी जो है सूरतें याद कर ले, सूरत हूद, सूरत अनकबूत, सूरत अल शुरा, सूरत अल इराफ और सूरत अल हिजर, ये 5 सूरतें मैंने आपको बताई हैं और 5ों सूरतों में इसका मुकम्मल जिक्र है, मौजूद है, ठीक है। और आप, मैं तो चूंकि कुरान तर्जमे से पढ़ चुका हूँ, लोग अरबी में पढ़ते हैं ना तो वो सिर्फ हमें गालियाँ देते रहते हैं कि आपको पता ही नहीं है। अगर आप उर्दू में पढ़ लें तो इसका सारा जिक्र आपको कुरान पाक में मिलेगा। और कुरान का सूरत अल बकरा की जो आखिरी आयत है उसमें भी इसका जिक्र है, ठीक है। और ये ले, ये मैं डेड सी के पास जा रहा हूँ, आप शेयर कर रहे हैं अपने दोस्तों को, आप शेयर कर रहे हैं अपने दोस्तों को। मैं आपकी मालूमात के लिए बता दूं, आप दोबारा गौर से सुन लें कि ये जो जगह है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, इसका ये हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की वो बस्ती है जो लड़के लड़कों से और औरतें औरतों से सोबत करती थी, और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की उनको तबलीग शुरू की थी और उन्होंने बजाय तबलीग के सुधरने से बाज नहीं आए, ठीक है। और इन्हीं लोगों ने हज़रत याहिया का सर कलम किया था। और ये डेड सी है, ये मैं आपको ये भी बता दूँ, ये दुनिया का नचला तरीन मुकाम है, दुनिया का बुलंद तरीन मुकाम जो है वो तिब्बत मुल्क है, तिब्बत, और पहाड़ जो है वो माउंट एवरेस्ट है। अगर दुनिया को आपके पास हो ना वो नक्शा, तो सबसे नीचे डेड सी है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये सबसे नचला मुकाम है डेड सी। ये सतह समंदर से 1300 फुट नीचे है, सतह समंदर से 1300 फिट नीचे है, ठीक है। और इधर जो बस्तियां तबाह हुई थी, ये 5 बस्तियां थी जो इधर तबाह हुई थी, मैं आपको 5ों के नाम भी बता देता हूँ, ठीक है। एक पहली बस्ती थी, इसका नाम सदूम, दूसरी अमूरा और तीसरी जगर। ये 3 बस्तियों पे डेड सी है, 2 बस्तियों पे नहीं बनी, जगर, सदूम और अमूरा, ये 5 बड़ी थी। 5 में से 3 गांव 3 बस्तियां इसमें गर्क है। और जैसे कि कुरान में लिखा है कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भेजा, उन्होंने वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास गए, उनको बूढ़ी उम्र में, उनकी उम्र बहुत हो चुकी थी, उन्होंने उन्हें औलाद के लिए बताया कि आपके घर बेटा होगा और उसका नाम सालिया रखना, ठीक है। और उसके बाद जो फरिश्ते थे वो इधर आए थे इसी जगह पर, ये डेड सी के इलाके में फरिश्ते आए थे, और उन्होंने वो जब सालेह अलैहिस्सलाम से मिले तो जो लोग थे वो सालेह अलैहिस्सलाम के घर के बाहर जमा हो गए, तो उन्होंने कहा ये लड़के हमारे हवाले कर दो। तो चूंकि ये जानी किस्म के लोग थे तो फिर हज़रत, फिर फरिश्तों ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को बताया कि हम फरिश्ते हैं, ठीक है। और फिर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को फरिश्तों ने कहा कि आप इस वादी से अपने बच्चों को लेकर निकल जाएँ कि हाँ इधर अजाब आएगा, और अपने बच्चों से कहना कि मुड़ के ना देखें, बच्चों से कहें कि मुड़ के ना देखें। और उन्होंने मुड़ के देखा, कहाँ गए वो? उधर ही बैठे हैं। किधर? किधर? वो पीछे जाके बैठे। अच्छा, वो सामने आ जाओ। तो ये डेड सी है, आपने नहाना नहीं है? नहीं। अच्छा, और ये देख लें, ये डेड सी, ये लोग नहा के आ रहे हैं, जब जाके तो उधर नहाएंगे ऊपर, जश ऊपर स्विमिंग पूल में नहाएंगे, ठीक है। और ये देखिए जो लोग नहा रहे हैं, ये ऊपर तैरते रहेंगे। ये मैं आपको बता दूं, ये 480 फुट गहरी है अभी भी, ये ऊपर पहाड़ों में थी डेड सी, अभी पहाड़ों से ये नीचे आ गई है, पहले ये पहाड़ों पे थी, अब पहाड़ों से काफ़ी नीचे आ गई है। तो मैंने आपको इसकी हिस्ट्री भी बता दी, शायद आपको पसंद आई है, नहीं आई कमेंट्स में ज़रूर बता दें आपको कैसा लग रहा है एक्सपीरियंस। ये डेड सी है जो आप लोगों ने किताबों में पढ़ी होगी, ठीक है, किताबों में आपने पढ़ी होगी। अब मैं डेड सी के किनारे किनारे जाऊंगा, आपको नज़ारे कराता हुआ जाऊंगा आगे। एक मिनट, इधर ना नमक की वजह से ना अंदर से पानी से, पानी के अंदर से ना गर्मी आती है।
ये देखिए, ये इधर से तस्वीरें बना रही हैं, अंदाज़ा कर लें। ये जो कीचड़ मलते हैं, ये समझते हैं कि ये जो है, ये जो कीचड़ है इसका, ये बाइस से शफा है और इसके लिए इसकी क्रीमें भी बनती हैं, बहुत कुछ बनता है। बहरहाल मैं भी आपको डेड सी के किनारे ले जाता हूँ, ठीक है। ये नहा रहे हैं, देख लिया, ये डेड सी है जिसके बारे में आपने सुना होगा। इधर आज तक कोई जानदार नहीं है, ये अल्लाह ताला की नफ़रत की जगह है। हम इसलिए देखने आते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान में पाक में फरमाया है कि क्या तुम देखते नहीं हो मेरी दुनिया को घूम फिर कर, ठीक है। तो हम ये डेड सी के एन जगह पे मौजूद हूँ मैं। ये देखें इधर से नमक के ढेले, ये देखें नमक, देख रहे हैं, ये सारी डेड सी है। अब मैं जाता हूँ, ठीक है। कुरान में ऐसा है कि क्या, अच्छा, अल्लाह ताला की ये नफ़रत की इंतहा थी। आज तक इसमें कोई जानदार नहीं है, कोई किसी किस्म का जानवर नहीं है। ये आप देख लें, ये नमक है, ये देखें, मैंने बताया ना, ये डेड सी समंदर नहीं है। असल में डेड सी एक झील है, लोग इसको समंदर समझते हैं, ये समंदर नहीं है, ठीक है। ये नमकीन पानी है, आम समंदर के पानी 6% नमकीन होता है, ये 23% नमकीन है, समझ रहे हैं। ये देखें ये पूरी बस्ती अल्लाह उन्होंने उलट दी थी, देखें, खुद ही ये बन जाती हैं तस्वीरें खूबसूरत सी। और आप ये देखें, जी जी, ठीक है, ये डेड सी है, तो 23% नमक होने की वजह से इसमें अगर कश्ती डालते हैं तो वो उलट जाती है, कश्ती इसमें उलट जाती है, ठीक है। और ये डेड सी का, ये देखें, इसमें चूंकि इन पहाड़ों में लोहा भी पाया जाता है, तो इसका कलर देख लें, देख रहे हैं, ये देख लें इसका कलर। मैं लाइव इसीलिए गया हूँ मेरे भाइयों, सब आप देख लें, ये मैं आपको लाइव डेड सी दिखा रहा हूँ। ये जो लोग नहा रहे हैं, ये डूबते नहीं हैं, ये बस बैठ जाएंगे तो ये तैरना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये देख रहे हैं, इधर से एक एक पत्थर ले जाइएगा यादगिरी के लिए। ये देखिए नमक, ये नमक है, इधर बड़े बड़े पत्थर भी नमक के मिलेंगे आपको, ये देख क्या पत्थर की मूर्ति, वो इधर से सोख, वो ये सामने सारा वो है, इसराइल है, इसराइल ने कब्जा किया था, ये आप भी देख लें। ये सामने इसका जो दूसरा किनारा है वो एक अल खलीली शहर है इसराइल का, ये उनके पास है, अल खलीली इसराइल है ना जी, अल खलील, अल खलील शहर, वो उधर इसराइल है, ये दूसरी तरफ अल खलील है, और इधर उर्दन की तरफ ये जॉर्डन है और वो है, और इसकी एक तरफ फलस्तीन भी है। ये देखिए पत्थर, ये देख रहे हैं नमक, देख रहे हैं, ये नमक है, ठीक है। अब ये देखें ये तैर रहे ना, ये नीचे नहीं जाएगा, ये ऊपर ऊपर ही तैरता रहेगा, ये ऊपर ऊपर तैरता रहेगा, आप जहाँ तक मर्जी लाओ ना, कच्चा ले टुबकी लाओ, नहीं चले कितने, मैं नहाता, नमक पूरा भाई पूरा, ये देख तो ऊपर ऊपर, फिर स्विमिंग पूल में जाके नहाएंगे ना आप, मर्जी आपकी, हम क्या कहें भाई, भाईजान ये डेड सी है, डेड सी आपने किताबों में पढ़ा होगा, बड़ा सस्पेंस होगा, आज आप अपनी आंखों से देख लें कि इसको कहते हैं डेड सी, डेड सी। आप शेयर कर रही हैं, मैं आप लोगों की तरह वजह से लाइव हूँ, इधर आओ, मुर्शिद वो आना चाहिए, मुर्शिद ये लो, आ गया ना, आ गया, ठीक हो गया मुर्शिद, अरे मुर्शिद वो हाथ ना लगाना, जाना नहीं,
नहीं 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 कुछ भी नहीं होता यार, मैं नहा के गया हूँ, क्या होता है ऐसे ही। ये ले जी आप, ये 480 फुट गहरा है, इधर जो मर्जी बंदा डुबकियां लगाता जाए वो डूबता नहीं, ठीक है। मैं अभी इधर बैठ के एक वीडियो भी बनाऊंगा। ये ले, ठीक है। ये सदियों के बाद ना बिल्कुल नीचे आ गया है, इसमें ना लोहे की मकदार बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ये देखिए, मेहरबानी शुक्रिया आप सबका, आप शेयर कर रहे हैं और लोग भी देख लेंगे। असल में काफ़ी लोग मुझे मैसेज करते हैं कि हम सब लाइव ज़रूर जाएं, किसी अच्छी जगह पे जाएं तो लाइव ज़रूर जाएं, अच्छी जगह पे जाएं लाइव ज़रूर ना जाएं। सामने इसराइल है, मैं उर्दन की तरफ हूँ और ये दरमियान में डेड सी है। मैंने आपको सारा बता दिया है, ये वादी सदूम है जहाँ अल्लाह ताला ने जी जी मैं अवैस खान जी, मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। तो ये देखे कि ये अल्लाह ताला ने जो कुरान में फरमाया, फरिश्तों ने पूरी बस्ती उलट दी, तो ये उस बस्ती में मैं खड़ा हूँ। इसमें दुनिया में ये अहमद शेर साहब, मैं बता दूँ, डेड सी में दुनिया का कोई जानवर नहीं है, इसमें किसी किस्म की मछली नहीं है, पानी इसमें नमक की मकदार 23% है, कश्ती डाले वो उलट जाती है, बैरी जहाज इधर चल नहीं सकता। ये अल्लाह ताला की नफरत है, जब इंसानों ने अल्लाह की बात नहीं मानी थी, कौम में लूत जो लड़के लड़कों से सोबत करते थे और औरतों की तरफ नहीं आते थे, तो अल्लाह ताला ने फरमाया भी था कुरान करीम में, तो लूत अलैहि सलाम को कहा कि तुम गलत कर रहे हो, तो वो नहीं मानते थे। तो हज़रत इब्राहिम अलैहि सलाम के ये भतीजे थे, वो अपनी बीवी को लेके वो सामने पहाड़ों पे चले गए और अल्लाह ताला ने ये पूरी बस्ती उलट दी। ये वादी सदूम है और वादी ज़गर है और एक और वादी है, वो भी मैंने आपको पहले बताया था। तो ये डेड सी है जी, ये देख रहे हैं, वो देखे नहा रहे हैं लोग, इधर कोई बंदा डूबता नहीं है। दे हमारे मेजर साहब आए हैं, ये लगता है नहाएंगे। सारा आप नहाएं, मैं नहा चुका हूँ, कुछ भी नहीं, आप जहाँ तक मर्जी जाएं। आप ऊपर बस ऐसे नहीं होना, ऐसे नहीं होना नीचे, नहीं नीचे नहीं जाएंगे, आंखों में ये पानी नमकीन बहुत ज़्यादा आंखों में लगेगा, आपने तैरते रहना है, तैरते रहना। नहीं नहीं मट्टी पेएबल है, मट्टी पेएबल है, मट्टी पेएबल है, मट्टी नहीं लगानी आपने। ये रिटायर्ड जनरल साहब हैं जी, इसमें पानी कहीं से नहीं आता, जो 2500 साल या 3000 साल पहले जो तबाही के बाद पानी वजूद में आया ना, आज तक वही पानी है। इधर बारिशें बहुत कम होती हैं और डेड सी बहुत ऊपर तक थी पहाड़ों के, ये 2-3 हज़ार साल में बुखारात बन के उड़ गई है और ये वापस आ गई, ठीक है जी। 425 बंदे ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, और आप शेयर करते जाएंगे और भी लोग बढ़ जाए, मैं आपकी वजह से ऑनलाइन हूँ, नहीं तो मैं कब बंद कर चुका होता। डेड सी आपने किताबों में पढ़ा था, ले मैंने आपको डायरेक्ट दिखा दी है, आपने किताबों में पढ़ा था, मैंने डायरेक्ट दिखा दी है। ये उर्दन में है, उर्दन में पानी ठंडा सर, आपने अंदर जाना है तो लेट जाना है, ऐसे ऐसे करते हैं वो उधर, हाँ ऐसे लेट जाएं, अगर खड़े होने की कोशिश करेंगे डुबकियां लगेंगी और आंखों में ये नमक का पानी 23.6% नमकीन है, आपको फिर कुछ नजर नहीं आएगा। हाथ मैंने सिर्फ हाथ डाल के सिर्फ बाहर निकाला है पानी की, नमक आ गया है, हाँ हाँ हाँ, यही होना है ये नाल ही नालो नहीं, वो फिर अंडरवेयर तो गिला हो जाएगा, निकल ले। हाँ ठीक है ठीक है, तुमने नहा के एडवेंचर नहीं किया सर। ओ यार छोड़ दे यार, ये देख ले ये लोग नहा रहे हैं। ये देखो, ये देख रहे हैं, ये जमीन की नचली सह में नमक था, फिर जब अल्लाह ताला ने इसे अजाब आया बस्ती को पलट दिया और वो खरीश शुरू हो जाता तो फिर कैसा क्या होता। अहमद शेर साहब शुक्रिया सर, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, शेयर करते जाएं। मैं आपके लिए ये बैठा हूँ, ये ले, ये देख रहे एक दोस्त नहा रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये ऊपर तैर रहे हैं, आप जहाँ तक भी जाएं तैर सकते हैं। मट्टी लगा के तभी, आपको मट्टी लगानी पहले, हाँ मट्टी पता नहीं क्या है आपको, वाइटनेस हो गई है,
जी डेड सी में इंसान डूबता नहीं है जी, आप तैरते सर वो देखिए तैर रहा है, वो तैर रहे ना, वो ऊपर तैरता रहेगा अंदर तक जहां तक जाए तैर। चलो जी तालियां दर 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 ले जी ले जी हमारे स्विमिंग आती है ना, ये ले ये मेरे दोस्त हैं जी, ये नहाने लगे हैं, ये डेड सी पे ये हमारे साथ आए हैं, ये रिटायर्ड जनरल हैं। हाँ बस तुसी लेट जाना है, ओदे ते तवज्जो ना दो, लेट जाओ लेट जाओ लेट जाओ लेट जाओ सर लेट जाओ, बस मुंह ते रखो बस बस, वे वाह कमाल है। देखा एडवेंचर सर कमाल हो गया। सर आप ऐसे लेटे रहें, आप देखें कि आपको पता चल गया कि आप डूबेंगे नहीं सर, आप बिल्कुल नहीं डूबेंगे। देखिए अब आपको अंदाज़ा नहीं है कि आप कितना ऊपर हैं कितना नीचे हैं, अब आप आगे जाना चाहिए आगे जा सकते हैं, पीछे आना चाहिए हाथ ला के पीछे आ सकते हैं, सर आप डूबेंगे नहीं। हकीम बाबर हाजिर है आपके लिए, हम छलांगा लगा देंगे। वो शेर उलट कर दे बहरा मुर्दार में घोड़े दुरा दिए हमने। हाँ आप अगर आपने ऐसे ही वापस आना है, खड़े होने की कोशिश नहीं करनी आपने। जी जी हमारे जनरल साहब हैं रिटायर्ड। हाँ जी बिल्कुल सर बिल्कुल 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 ठीक कर रहे हैं। देखिए पानी आपको नीचे नहीं लेके जाएगा, अब आप ऐसे एक दफ़ा वापस आके दोबारा उधर जाएं। हाँ बिल्कुल लेटे रहने, खड़े होने की कोशिश नहीं करनी, नहीं तो पानी गहरा होगा तो डुबकियाँ लगेंगी आप। ये ले जी लाइव देख लें, ये हमारे दोस्त हैं, ये तैरते तैरते 480 फुट में जहाँ मर्जी चले जाएं ये डूब नहीं सकते। बहुत शुक्रिया जी अदील, अदील साहब बहुत शुक्रिया, अदील साहब बहुत शुक्रिया। ये देखिए ये ना खड़े होने की नीचे है जमीन है तो खड़े, हाँ ऊपर उठाएगी बिल्कुल बिल्कुल, आप तैरते तैरते वापस आए, तैरते तैरते वापस आए। हाँ बिल्कुल वो उल्टा नहीं होना, उल्टा नहीं होना, आंखों में पानी लग जाएगा। उल्टा ऐसे मैंने कहा था आंखों में पानी लग जाएगा, उल्टा होने की लग गया ना, अब वापस आ जाए, ये बहुत तेज़ पानी है, मैंने कहा था आपने खड़े होने की कोशिश नहीं करनी। मैं नहा चुका हूँ मुझे अंदाज़ा है, देखिए आंखों में पानी लगा, ये बहुत जलन होगी, बिल्कुल बिल्कुल वापस आ जाए, थोड़ा ही रह गया, थोड़ा और आए थोड़ा और आए थोड़ा और आए। हाँ अब खड़े होने की कोशिश कर, पाँव नीचे लगा सकते हैं, बिल्कुल 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 बिल्कुल, अब आ जाए अब आ जाए अब आ जाए अब आ जाए अब आ जाए। पानी नीचे पाँव लगाने ही नहीं देगा? नहीं नहीं पानी पाँव नहीं लगाने देगा, आप तैरते रहेंगे बिल्कुल बिल्कुल, आप तौलिया दें को आंखों में शदीद पानी नमक गया होगा। नहीं देता सारी अल्लाह की कुदरत है, आपने देखा आंदा ओ साइड थे, ओके 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 आंदा थे मट्टी ये दलदल है ओ साइड थे आ गए, ओके ओके ओके। ये कीचड़ मलते हैं, पेएबल है, पैसे लेते हैं, वो समझते हैं कि ये बाय से शफा है, ये देखें उपाय से शिफा की तो बात ही नहीं कर रहा यार। कौन खुर्शीद वो तो कह रहा है कि हम इसलिए लगा रहे हैं कि वो पानी नमकीन है ना, वो हमको लोग ये जो लोग हैं ना ये पे करते हैं पैसे। नहीं हमने पूछा उनसे मिला है यार अम्मी क्या, तो क्या कहता है 25% सर इसी को तो कहते हैं 23.6% है, तो सर ये आप अंदाज़ा करें कि जो लोग आते हैं एक दफ़ा नहाते ज़रूर हैं, कि असल में हमने किताबों में पढ़ा हुआ है ना, तो जब हम ज़िंदगी के एक सिम इधर आते हैं तो हम समझते हैं हम जाके भी तो देखे क्या है। अच्छा आप पाँव नीचे नहीं कर सकते इसलिए वो ये जो कह रहे हैं ना वो था खड़े होने के नहीं लगाने देगा ना, पाँव नहीं लगाने जाने इसकी लोकेशन इस मुल्क का नाम उर्दन है। कैसे हैं आप लोग सब ठीक हैं?
मैंने आपको पहले भी बताया कि ये हज़रत लूत अलैहि सलाम की जो कौम को अज़ाब आया था, हम सेम उसी जगह पे खड़े हैं। और मैं आपको बताता चलूं कि इसमें सबसे बड़ी बात ये सदूम थी जो इसमें पलट चुकी है, जा चुकी है। और इसमें और मैं बताता चलूं कि सदूम अमूरा और ज़गर, ये तीन बहुत बड़ी बस्तियां थी लूत अलैहि सलाम की। टोटल पाँच बस्तियाँ थी, जिनमें से तीन बस्तियाँ जो थी वो इस पर गर्क हो चुकी हैं। ये वही लोग थे जो आपको मैंने पहले भी बताया, कुछ जैसे कुरान पाक में लिखा है कि मर्द मर्दों से औरतों औरतों से रगबत रखते थे, सोबत रखते थे। तो ये वाहद वो जगह है जिस जगह मैं खड़ा हूँ कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम आई और उन्होंने पूरी बस्ती उलट दी और लूत अलैहिस्सलाम से कहा कि आप इधर से दूर चले जाएँ, तो वो उन पहाड़ों पर चले गए अपनी बीवी को। और आज मैं आपको ये बता दूं कि कुरान पाक में पांच सूरतों में इसका जिक्र है, और वो जो सूरतें हैं, सूरत हूद है, सूरत अनकबूत है, सूरत शुरा है, सूरत अल इराफ है और सूरत अल हिजर है। इन पांच सूरतों में आपको ये तफसील मिलेगी इस पूरे इलाके की और पूरी वादी की। और जब आप देख रहे हैं तो तौबा अस्तगफरुल्लाह करें, अल्लाह से माफ़ी मांगें। बेशक अल्लाह का जो गुस्सा है बहुत गालिब आ जाता है, और अल्लाह ताला अगर चाहे वो बनी बनाई बस्ती को तबाह करके नीचे से नमक निकाल देता है। आपको ये मेरे ये देखिए, ये नमक दिखाएं, ये देख रहे हैं, ये नमक है सारा, ये नमक है। और ये डेड सी, हर चीज़ फना, इसमें ना को मछली है, किसी किस्म का जानदार नहीं है। इसमें कश्ती भी रखें तो वो भी उलट जाती है, इसमें कोई चीज़ नहीं जा सकती, सिर्फ लोग इधर नहाते हैं। और आपको मैंने वीडियो में दिखाया, आप तैरते रहेंगे तो जहाँ तक मर्जी तैरते रहें, आप खड़े होने की कोशिश ना करें, ये पानी पाँव को ज़मीन पे नहीं लगने देता। और उसकी वजह यह है कि इसमें जो समंदर में नमकियात है, आज ही भाई जान, इसमें जो समंदरी नमकियात है उसकी मकदार 23.6% है। समंदर में जो है वो 6% होती है। ये मेरे बहुत अच्छे हर दिल अजीज़ दोस्त हैं, मौज़म साहब फ्राम हैदराबाद, और ये मेरे जिगर गोशे पुराने दोस्त जो हमारे साथ कहाँ कहाँ मराकश भी जा चुके हैं, उज़्बेकिस्तान भी जा चुके हैं, तुर्की भी आ गए हैं, और आज हम डेड सी पे आ गए हैं। और ये हम इसलिए भी आए हैं क्योंकि इनको भी हिस्ट्री पढ़ने का बड़ा शौक़ है, मुझे भी बहुत शौक़ है। तो हम हमारी अल्लाह ताला से जो दुआ है वो ये है, या अल्लाह पाक जब तक जान है, जब तक ज़िंदगी है, तो अपनी दुनिया हमें दिखा दे। छोटी सी दुआ, अल्लाह के लिए तो खुशी में दिखाए, और बगैर यानी कि ट्रैवलिंग के हिसाब से दिखाए, किसी मजबूरी के तहत ना दिखाए। अल्लाह मजबूरी में किसी दवाई के पीछे बंदा रुल रहा है, अल्लाह के करम से। दुआ में अल्फाजों का चुनाव जो है ना, बाल लोगों की दुआओं में चुनाव सही नहीं होता है। वो यानी कि औरत बेटे को दुआ दे रही, माँ बेटे को दुआ दे रही, पूरी जिंदगी तो कैसे गिनेगा वो, जो है जाके कैशियर लग जाता है बैंक में, या उसको दुआ दे दी है माँ के पूरा मुल्क तेरे इशारों पे चलेगा, वो ट्रैफिक सारा रेट बन जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, तो दुआ जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। दुआ का यानी कि आप जब दुआ मांगे तो आप सोच समझ के दुआ मांगे, क्योंकि कुदरत सुन रही है आपकी एक बात। तो आप जब भी दुआ मांगे कहेंगे जो है वो शौक की गर्ज से, घूमने की गर्ज से हम जो है पूरी दुनिया देखें, जिस तरह हम अब घूम रहे हैं इसी तरीके से, इससे बेहतर तरीके से हम घूमें। तेरे फजल और करम और रहम से, तेरे फजल से, तेरे करम से, और अभी तो या अल्लाह पाक तेरा ही करम है। ये वही बस्ती है जहाँ तूने फरिश्ते भेजे थे, आज उसी बस्ती में हम खड़े हैं, ये भी तो तेरा ही करम है, तेरे निशान इबरत है, ये निशान इबरत है जहाँ हम खड़े हैं। देखिए हमने सिर्फ पानी में हाथ डाला है, हमारे हाथों की हालत अगर आप देखें, ये देखें जिस तरह सेम लग जाता है, ये देखें जिस तरह सिंध को सैयदों ने और सेम ने तबाह किया है। हमारे पास ये बड़ी मशहूर कहावत है कि सिंध को सैयदों ने, कुछ सैयदों ने, सारे सैयद तो नहीं, वैसे पहले बहुत अच्छे लोग भी हैं, लेकिन कुछ सैयदों ने और सेम ने तबाह किया है, तो हमारे हाथों को सेम लग गया वही वाला। वाह वाह, बहुत मेहरबानी जी, शुक्रिया। आपने देखा वाजी वाह, भाई जान मैं आपको दिखा रहा हूँ और आप इसमें अपने अपने ऐड लगा रही हैं। अब अगर आपने अपने ऐड पेस्ट किए ना तो मैं आपको ब्लॉक कर दूँगा। ये मैंने पेज बनाया हुआ है कि जब मैं लाइव जाऊँ तो लोग अपने, मैं लोगों को अच्छी अच्छी मालूमात शेयर करूँ। आप अपना बिज़नेस शेयर करने बैठ जाते भाई, आप अपने पेज बनाए, उधर से जाके बिज़नेस शेयर करें। देखिए मैं कहाँ पाकिस्तान से आया, कुवैत से आया, जॉर्डन से मैं डेड सी पे आया आप लोगों के लिए। क्या मेरे पेज को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, ठीक है। आपने अब देखिए ऑनलाइन जॉब आ गया।
ये देखिए जी, मोहम्मद अकरम साहब खुरम साहब है, ये कहते हैं जी फजूल बात है, पता नहीं इसको फजूल क्या लगा यार, ये फजूल हो गई। ले ले भाईजान, अब आपको मेरी फजूल बातें बिल्कुल भी जो है वो नज़र नहीं आएंगी, मेहरबानी शुक्रिया। और मैं आपको ये बता दूं कि अल्लाह ने कुरान में लिखा है मोहम्मद खुरम साहब के अकल वालों के लिए बहुत सी निशानियाँ हैं, वो मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप कुरान तर्जमे से पढ़ लें तो शायद आपको भी अकल आ जाए। अभी मैं आपको ब्लॉक कर रहा हूँ, अल्लाह हाफिज़। ये लीजिए, वो तो गया है जी। इतने इतने बेवकूफ़ जाहल किस्म के लोग हैं, मेरी बात समझ नहीं आती। तो भाई आप कुरान पाक पढ़ लें, आप किताबें पढ़ लें, हमारे ऊपर तनकीद कर रही हैं। ये डर सी जो है, ये देखे वही है जिस पर कुरान में जिक्र है, ये तबाह हो चुकी है। कौन सी मैंने अभी आके बनाई है, हमें तो बनी बनाई मिली है। शुक्र हो गया, बस एक तजर्बा ही करना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, आज मैं दिन को देखे वो आपके सामने गया था इसराइल बॉर्डर पे, तो मैंने आपको बनाई भाई जान। कड्डा मैं अपना डेटा को मूवी बना ली। ये ले जी बेटा, ले जी, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मैं लाइव काफ़ी देर से लाइव हूँ, अभी और आऊँ तो बता दें आपने सब कुछ देख लिया। इस मुल्क का नाम उर्दन है और ये डेड सी है, मुल्क का नाम उर्दन है, ये डेड सी है, इधर कोई चीज़ भी डूबती नहीं है। यही वीडियो आप दरमियान में करके देख लें, आपको पता चल जाएगा। भाई खर्चे का ना पूछे, 5 लाख रुपया खर्चा आ गया इधर आने जाने का। मेहरबानी मेहरबानी खालिद हुसैन साहब, आपने कहा जी जिंदाबाद, मेहरबानी खालिद साहब, मेहरबानी जी, बहुत मेहरबानी। देखिए भाई जान, आप जिस चीज ने भी घूमने ना, आप अकेले दुनिया में निकले और घूम ले, इससे पहले कि आप दुनिया में चले जाए और ये ख्वाहिश आपके दिल के साथ ही दफन हो जाए, आपको बाद में पछतावा ही पछतावा रहेगा। सर सारी जिंदगी चाहे जी तू खुशी मिली है ना, फीलिंग है जबरदस्त, और मैं थोड़ी वीडियो भी पूरी रिकॉर्ड की थी जी, मैं तुम्हें मैं उन्हें भेज दिया। और दूसरा ये है कि तो सब बड़ा अच्छा किया सी, डीप पे जाके ना सीधा खड़ा होने की कोशिश बंदा करता है लेकिन वो खड़ा नहीं होता, नहीं होता। मैं बड़े बंदे नु एकां च पानी पै जांदा, डुबते सकते ही नहीं ना, तुम्हें खड़ा नहीं होने देता। बहुत शुक्रिया भाई जान, बहुत शुक्रिया। फलस्तीन उर्दन शाम, ये मेरे सामने इसराइल है ना, ये सामने जो पहाड़ियाँ नज़र आ रही है ये इसराइल है, सामने शहर अल खलील है, और रात को इधर से ना फलस्तीन, इस कोने में फलस्तीन की आपको लाइट्स भी नज़र आती हैं, इधर ना लाइट्स भी नज़र आती हैं उसकी फलस्तीन की, और ये जो है ये इसराइल है सारा, ये इसराइल है। और हम सतह समंदर से 1300 फुट नीचे हैं, इनकी जो पोर्ट है उसका नाम अकबा है, अकबा जो है वो इधर से 1300 फुट ऊंची है, और हम नचली तरीन जगह पे हैं, नचली तरीन दुनिया के मकाम पे हैं। ठीक है जी, वीडियो को पूरा देखना का शुक्रिया, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब मैं मजीद वीडियो बनाने लगा हूँ, अल्लाह हाफिज़।